वेलकम टू हिट फ्रेंड्स स्टडी। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ नाउन के जेंडर। मैंने आपको पहले कौन से नाउन सिखाए थे, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारे नाउन सिखाए थे, पर आज मैं आपको कोई अच्छे इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाली हूँ नाउन के जेंडर। नाउन में टोटल चार जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन, तो फ्रेंड्स मैंने इधर चार टाइप लिखे हैं, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, कॉमन। ये चार टाइप होते हैं जेंडर नाउन के। सॉरी फ्रेंड्स, मैस्कुलाइन में होते हैं मिस्टर, वेटर, ऑथर, बहुत सारे होते हैं। एक एक तरह से आप वही मान लो, मेल जो होता है ना, मेल पर्सन, उसको मैस्कुलाइन जेंडर ही बोलते हैं। फेमिनाइन, फेमिनाइन में, अब मैस्कुलाइन मेल हो गया तो फेमिनाइन एक फीमेल होता है। फीमेल में भी प्रिंसेस, वेटरेस, ओके, लायनेस, ओके। अब नाउ न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कोई भी कॉमन चीज, नॉन लिविंग थिंग, जिसका कोई लिविंग ही नहीं होता, जो कोई जीवित ही नहीं होती, जैसे पिलो, ब्लैंकेट, टेबल, चेयर्स, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। और कॉमन, कॉमन मतलब होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब कोई भी तो चाइल्ड हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। ऐसा बोले ही इज अ चाइल्ड, ही आया मतलब क्या हो गया, वो मेल, मैस्कुलिन, पर बस ऐसा बोल दिया हूँ, दे आर चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, गर्ल्स की भी टीम हो सकती है, बॉयज की भी टीम हो सकती है, तो समझ लो कॉमन मतलब। सर टेरर भी हो सकता है, क्योंकि टेरर भी कोई भी टेरर हो सकता है, ऐसा स्पेसिफिक थोड़ी होता है कि टेरर कोई मैस्कुलाइन पर्सन हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको एक थोड़े सेंटेंस से आपको डिस्क्राइब करती हूँ सब। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको रब करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे एजुकेशनल वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल हिंदू फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि मैं उनको बच्चों की लैंग्वेज में पढ़ा सकती हूँ। ओके, अब चलो फिर से आ जाते हैं हमारे नाउन के जेंडर। लेट्स कॉल वेट्रेस, इसमें आपको कौन सा मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, कॉमन है, वो देखो। लेट्स कॉल वेट्रेस, वेट्रेस क्या है, फेमिनिन है। अगर मैंने ऐसा लिखा होता लेट्स कॉल वेटर, तो मैंने ऐसा नहीं लिखा है, वेटर ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब वेटर है दिस सेमिनार। मैं सेमिनार के लिए ऐसे लिखूं, ये सेमिनार सेंटेंस, सेमिनार है वेटर। देन इस टेलर, टेलर क्या हुआ, मैंने जस्ट अभी एग्जांपल में बोला था टेलर एक कॉमन हुआ, टेलर गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, तो ये इधर स्लैश कर सकती हूँ। सी थर्ड, फ्रेंड्स दिस माय पेंसिल, पेंसिल एक न्यूट्रल हुआ, क्योंकि पेंसिल इज नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज अ नॉट लिविंग थिंग, तो ये हो गया न्यूट्रल। आई सॉ लायन, लायन क्या हुआ, मैस्कुलाइन, क्योंकि लायन में ऐसा बोलता है, आई सॉ लायन मैस होता है, तो मैस्कुलाइन होता है, फेमिनाइन होता। सो फ्रेंड्स, अभी इधर तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए लाइन वाइज लिखा है, पर इस एग्जाम में आप ऐसे मत करना, लाइन वाइज मत लिखे आना, आप देखना आगे भी मैस्कुलाइन दो तीन हो सकता है, फेमिनाइन दो तीन हो सकता है, न्यूट्रल एक दो हो सकता है, कितने हो सकते हैं। मैं तो अभी मैंने अभी ये एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है। अब मैं ना आपको ना एक पांच वर्ड दे, फर्स्ट वर्ड इज पीरो, सेकंड वर्ड इज पोएटेस, थर्ड वर्ड इज राइटर, फोर्थ वर्ड इज रायन, फिफ्थ वर्ड क्या, थोड़ा अलग सा देते, फिफ्थ वर्ड टीचर। ओके, ये पांच वर्ड है, आप आपको अपनी रफ बुक में देख रहा है कि कौन से वर्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।